हेलो फ्रेंड्स, मैं सर शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे डैंडी वॉकर सिंड्रोम के बारे में। आज की वीडियो में आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाएंगे कि डैंडी वॉकर सिंड्रोम क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और साथ ही आपको बताएंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, डैंडी वॉकर सिंड्रोम एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं कि एक कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर भी होता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि बाय बर्थ से ये डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है। डैंडी वॉकर सिंड्रोम में होता क्या है कि जो आपका सेरेब्लम है, जो कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, जो कि हमारी बॉडी के मूवमेंट और बैलेंस को कंट्रोल करता है, तो सेरेबेलम का जो डेवलपमेंट है वो ढंग से नहीं हो पाता इस डैंडी वॉकर सिंड्रोम के अंदर। यानी कि सेरेबेलम के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है, बैलेंस के अंदर प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों, इसके डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर्स प्रीनेटल एज के अंदर आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं और फीटल MRI करवाते हैं, जिससे पता चलता है कि डैंडी वॉकर सिंड्रोम है या नहीं है। इसके सिम्टम्स की मैं बात करूं तो मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है, बैलेंस में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है, जो बच्चा है वो डिलेड, उसके अंदर माइलस्टोन देखने को मिलते हैं, जैसे कि लेट वो क्रॉलिंग कर रहा है या लेट चलना चालू कर रहा है, तो ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और किन डॉक्टर्स के पास आपको जाने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, डैंडी वॉकर सिंड्रोम के जब आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आपको नियोनेटोलॉजिस्ट, जो कि ऐसे डॉक्टर होते हैं जो न्यूबॉर्न के साथ डील करते हैं, तो वैसे डॉक्टर के पास आप लोगों को मिलना पड़ सकता है। साथ ही ब्रेन सर्जन्स होते हैं जो ब्रेन सर्जरी परफॉर्म करते हैं, वैसे डॉक्टरों को आपको मिलना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है आपकी जो भी कंडीशन है उसकी सीवियरिटी के ऊपर। जनरली क्या होता है कि सेरेब्लम के अंदर अगर एक्स्ट्रा फ्लूड एक्यूमुलेट हो गया हो तो डॉक्टर्स ब्रेन सर्जरी परफॉर्म करते हैं, जिसमें होता क्या कि VP शंटिंग करते हैं। VP शंटिंग से होता क्या है कि वो एक्स्ट्रा जो फ्लूड है उसको ड्रेन करने की कोशिश की जाती है, जिससे क्या होता है कि आपके ब्रेन और स्कल पर के ऊपर से जो है वो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं कई केस के अंदर। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से डैंडी वॉकर सिंड्रोम का प्रेजेंटेशन होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching Physio Talk.